हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे प्रोपेलर्स के ऊपर। प्रोपेलर्स के ऊपर कैप्टन अजीत टपनो का जो जो क्वेश्चन है वो अगर आप कवर कर गए तो जो बहुत सारा स्पेशल क्वेश्चन है प्रोपेलर्स के ऊपर बाकी सब आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि कैप्टन अजीत टपनो मैंने भी नोटिस किया फंक्शन वन के टाइम या फिर हो या हो फंक्शन थ्री के टाइम, दोनों के टाइम ही प्रोपेलर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये उनका फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत सब मिला के जॉट डाउन कर दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा अगर ये सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके गए तो। तो चलते हैं प्रोपेलर्स के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोपेलर। अ प्रोपेलर कंसिस्ट ऑफ अ बॉस व्हिच हैज सेवरल हेलिकॉइडल ब्लेड्स इन इट। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेलर्स का बेसिक डेफिनेशन। ओके, नाउ अभी प्रोपेलर्स का काम कैसे होता है। व्हेन प्रोपेलर रोटेट्स इट क्रिएट्स अ थ्रस्ट इन इट्स वे थ्रू द वाटर बाई गिविंग अ मोमेंटम टू द वाटर व्हिच इज पासिंग थ्रू इट। जो मोमेंटम है वो पास करता है बाय थ्रू द प्रोपेलर्स। द थ्रस्ट इज ट्रांसमिटेड टू द थ्रस्ट ब्लॉक अलोंग द प्रोपेलर शाफ्ट एंड शाफ्टिंग सिस्टम फाइनली टू द शिप स्ट्रक्चर। तो कैसे काम करता है मैम, अभी डायग्राम के साथ देख लेते हैं। तो दिस इज माय द प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। नाउ दिस इज माय प्रोपेलर ब्लेड्स। अभी क्या है, ये मेरा हो गया बॉस कैप या फिर प्रोपेलर बॉस भी आप कह सकते हैं इसको। दीज आर माई ब्लेड्स। तो प्रोपेलर का अभी ये जब से प्रोपेलर रोटेट करेगा तो ये एक थ्रस्ट क्रिएट करेगा जो बेसिकली फ्रॉम द थ्रस्ट ब्लॉक इट पास थ्रू द प्रोपेलर शाफ्ट एंड फाइनली जो आपका शिप का जो ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो थ्रस्ट है फाइनली ये इफेक्ट करेगा शिप का स्ट्रक्चर पे अलोंग विद द थ्रस्ट ब्लॉक एंड प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन हो गया हाउ अ प्रोपेलर वर्क्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोपेलर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है फॉर 2MFG। द प्रोपेलर यूजली मे बी आइदर वन फिक्स्ड पिच प्रोपेलर और FPP, ठीक है, और दो क्या हो गया कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल पिच प्रोपेलर। ये दोनों नाम ही आपको याद रखना होगा क्योंकि कोई भी एक पूछ सकता है, इधर वो पूछ सकता है वेरिएबल पिच प्रोपेलर या फिर कंट्रोलेबल, तो दोनों का ही सेम है, ठीक है। अभी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोथ द प्रोपेलर्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब दोनों का कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है बट द शेप इज ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ। मतलब जैसे कि पीछे वाला जो प्रोपेलर है शेप ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फिक्स्ड पिच प्रोपेलर और हाउ अ फिक्स्ड पिच प्रोपेलर वर्क्स। अभी इसमें कुछ अलग डेफिनेशन भी आपको देखना होगा। अ प्रोपेलर विच टर्न्स क्लॉक वाइज रोटेशन, ठीक है, व्यूड फ्रॉम द आफ्टर और आफ्ट इज कॉल्ड राइट हैंड प्रोपेलर। तो आपको मालूम चल गया राइट हैंड प्रोपेलर क्या है। एंड व्हेन टर्न्ड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दैट इज ऑल्सो व्यूड फ्रॉम आफ्ट इज नोन एज लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर। जो अभी सिंगल स्क्रू शिप क्या हो गया, अ सिंगल स्क्रू शिप द प्रोपेलर विल बी द राइट हैंडेड प्रोपेलर एंड फॉर अ ट्विन स्क्रू दैट इज द टू प्रोपेलर और टू इंजिन्स एंड टू शाफ्ट, ठीक है। उसके लिए स्टार्बर्ड प्रोपेलर बहुत इजी, आपका जो स्टार्बर्ड साइड है जो राइट साइड होता है, स्टार्बर्ड प्रोपेलर इज राइट हैंडेड प्रोपेलर एंड पोर्ट साइड जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर। ये हो गया द ट्विन स्क्रू। तो ट्विन स्क्रू एक हो गया, सिंगल स्क्रू हो गया, ये दोनों भी आपको मालूम चल गया। अभी अभी चलते मेन फिक्स्ड पिच प्रोपेलर पे क्या है। तो दिस इज वन ऑफ फिक्स्ड पिच प्रोपेलर। इसमें देखिए एक ही यूनिट है ये सब, ठीक है, ये प्रोपेलर बॉस या फिर ब्लेड्स, ये बाकी सब जो जो ब्लेड्स लगा हुआ है इसमें कोई इंटीग्रल, मतलब दो सब मिला के एक इंटीग्रल यूनिट बना दिया है इसको, सब एक ही कंस्ट्रक्शन के अंदर बैठा है। सो दिस इज माई फिक्स्ड पिच प्रोपेलर, ठीक है। डेफिनेशन पे देखिए, द फिक्स्ड पिच प्रोपेलर अगेन मे बी कंस्ट्रक्टेड इन टू फॉर्म्स दैट इज कास्टिंग प्रोपेलर और बिल्ट इन प्रोपेलर। इन द कास्टिंग प्रोपेलर ब्लेड्स आर फिक्स्ड बाई मीन्स ऑफ कास्टिंग ऑन टू द बॉस। कास्टिंग मतलब क्या हो गया, जो मोल्ड बनाते हैं आप लोग या फिर कोई भी, मतलब एक शेप के अंदर जो मोल्टेन मेटल होता है उसको हम लोग ये करके जो उसका शेप बाद में निकाल देता है या फिर वो शेप में आ जाता है वो मेटल, उसको हम लोग कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। ऑन टू द बॉस दैट इज द ब्लेड्स एंड द बॉस इज वन इंटीग्रल यूनिट। जो मैंने अभी फोटो दिखाया दैट इज वन इंटीग्रल यूनिट हो गया। इन बिल्ट इन प्रोपेलर, बिल्ट इन प्रोपेलर पे क्या है, द ब्लेड्स आर सेपरेटली फिटेड ऑन टू द बॉस, ठीक है। तो ये दोनों टाइप हो गया फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के लिए।
नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर और वेरिएबल पिच प्रोपेलर. कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर, इन द कंट्रोलेबल पिच और वेरिएबल पिच प्रोपेलर द ब्लेड्स आर सेपरेटली फिटेड ऑन टू द बॉस विच कैन बी टर्न्ड इनटू अ रिक्वायर्ड एंगल. मतलब जो ब्लेड्स है उसका, जो अपना बॉस पे फिक्स्ड किया हुआ है जो ब्लेड्स, वो रिक्वायर्ड एंगल, आपका जितना एंगल चाहिए कोई भी ऑपरेशन के लिए, मैनूवरिंग के लिए, आप उसको टर्न कर सकते हैं. द कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर विल बी ऑपरेटेड बाय द हाइड्रोलिक फॉर नॉन रिवर्सेबल इंजिन मैकेनिज्म टू चेंज द ब्लेड एंगल. मतलब जो ब्लेड एंगल आप चेंज करेंगे उसके लिए हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पे डिपेंड करना पड़ेगा. पोजिशन ऑफ द प्रोपेलर, ठीक है, दास कीपिंग द इंजिन रोटेशन इन ओनली अहेड डायरेक्शन चेंजिंग द ब्लेड एंगल द वेसल कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है, मतलब आपको आपका अहेड मूवमेंट रख के ही, आपको एस्टर्न मूवमेंट नहीं देना पड़ेगा, आपका अहेड मूवमेंट से ही आप बस ब्लेड एंगल को चेंज करके आप इंजिन को मतलब जहाज को रिवर्स पे ला सकते हैं. तो अब ये हो गया कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर. नाउ कमिंग टू द फोटो, देखिए इसमें जो ये नट्स है या फिर जो स्टड्स है आप कह सकते हैं इसको, तो दीज आर सेपरेटली फिटेड द बॉस टू ब्लेड्स. दीज आर माई ब्लेड्स एंड दिस इज माई बॉस. तो ये सब ब्लेड्स एक्चुअली सेपरेटली फिटेड किया गया है मेरा प्रोपेलर का बॉस पे. ठीक है, तो दिस इज अ कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर और वेरिएबल पिच प्रोपेलर. ठीक है, तो डायग्राम के साथ आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिटवीन दीज टू प्रोपेलर्स. ये बहुत ज्यादा आस्क करता है 2MFG पे, स्पेसिफिकली मिस्टर अजीत टपनो से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए. एनी डैमेज टू द ब्लेड्स ऑफ अ फिक्स्ड पिच प्रोपेलर द कंप्लीट प्रोपेलर टू बी चेंज्ड वेयर इन द कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर द डैमेज ब्लेड कैन बी रिप्लेस्ड. मतलब आपका ब्लेड, एक ब्लेड आप या फिर इंडिविजुअल ब्लेड आप CPP में चेंज कर सकते हैं, लेकिन FPP में आपको पूरा प्रोपेलर ही चेंज करना पड़ेगा. मेंटेनेंस ऑन द FPP इज लेस कंपेयर टू द कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर. यह मालूम चल गया होगा आपको, क्योंकि बहुत सारा ब्लेड्स है उसका मेंटेनेंस, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम सब है, तो इसीलिए ये लाइन गया है. ठीक है, इन द कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर द हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम अगेन कॉस्टली. हाइड्रोलिक बहुत कॉस्टली आता है, सबको मालूम है, एंड अ टफ जॉब, जो टफ या फिर स्किल्ड जॉब भी आप कह सकते हैं इसको. इफ एनी हाइड्रोलिक लीकेज टेक्स प्लेस इन द शी चांसेस ऑफ ऑयल पॉल्यूशन इज देयर. क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो बेसिकली इंजिन, जो शाफ्ट मेरा गया है बेसिकली फ्रॉम द इंजिन रूम इट कनेक्ट टू द आउटर सी, तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ हाइड्रोलिक लीकेज इन द CPP प्रोपेलर. ठीक है, इन कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर इंजिन वायर एंड टीयर इज लेस बट FPP वायर एंड टीयर ऑफ द इंजिन इज मोर. इन FPP ड्यू टू द रिवर्सेबल इंजिन, इंजिन स्पीड एंड प्रोपेलर स्पीड रिमेन्स सेम, वायर एज द CPP मीडियम स्पीड इंजिन्स आर यूज्ड एज द रिडक्शन गियर बॉक्स. रिडक्शन गियर बॉक्स आप गूगल कर सकते हैं, इसका अलग से डेफिनेशन या फिर ऑपरेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए पॉइंट में मैंने रखा है. टू बी फिटेड बिटवीन द इंजिन एंड द प्रोपेलर. ठीक है, ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों का ही और दोनों प्रोपेलर्स का ही. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज आपका प्रोपेलर का मेंटेनेंस आप कैसे करेंगे. अ रेगुलर मेंटेनेंस टू बी कैरिड आउट इन द शिप्स प्रोपेलर इन ड्राई डॉक. ड्राई डॉक पे आपका प्रोपेलर का मेंटेनेंस होगा, ये मालूम है. द प्रोपेलर इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉस बाय अनस्क्रूइंग द प्रोपेलर नट्स, जो मैंने नट्स दिखाया अभी. मरीन ग्रोथ टू बी रिमूव्ड एंड बाय वाटर वॉशिंग इट इट विल बी साइनी. ठीक है, अगर आपका प्रोपेलर इसमें भी होगा, जो ड्राइवर जाके करता है एंकरेज पे, वो भी आप साइनी प्रोपेलर्स का फोटो देगा आपको, तो उससे मालूम चल गया कि प्रोपेलर का बाय वाटर वॉशिंग जो या फिर जो ब्रश डालता है वो लोग, उससे साइनी बनाया जा सकता है. प्रोपेलर टू बी बैलेंस्ड इन द वर्कशॉप एंड टू बी फिटेड अगेन. बैलेंस मतलब उसका जो ब्लेड से अगर कुछ डैमेज हो गया उसको, तो उसको वापस जो रिक्वायर्ड एंगल में था या फिर जो मैनुअल का एंगल में है उस पे लाना होगा, देन इट विल बी फिटेड इन द वर्कशॉप. फॉर अ CPP ऑल द ब्लेड्स टू बी रिमूव्ड एंड द बॉस एंड टू बी इंस्पेक्टेड. इफ रिक्वायर्ड द मेकेनिज्म एंड द सील्स आर टू बी रिन्यू. सील्स मतलब बेसिकली द वेल्डिंग या फिर जॉइंट्स को आप लोग सील्स कह सकते हैं, तो रिन्यूड एंड देन असेंबल्ड. ठीक है, एनी डैमेज टू द ब्लेड्स टू बी रिपेयर्ड. तो ये हो गया मेरा बेसिकली CPP और FPP का दोनों का मेंटेनेंस. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोपेलर डायामीटर. ठीक है,
डायमीटर थोड़ा मेरा जो ऑडियो है उसके साथ आप मैच कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा आसानी से। द डायमीटर ऑफ द प्रोपेलर इज द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द ब्लेड, मतलब क्या, ये जो मेरा सर्कल ऑफ द ब्लेड कट आउट बाय द टिप्स, टिप्स मतलब अगर मेरा प्रोपेलर का ये बॉस हो गया तो, या फिर ये ब्लेड्स हो गया, तो ये हो गया मेरा टिप्स, जो इधर आपको 2D डायग्राम पे ये वाला मेरा टिप्स है, टू द दिस पॉइंट सर्किल कट आउट बाय द ब्लेड्स, इधर से इधर तक मेरा प्रोपेलर का डायमीटर, ये कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय डी, दैट इज द प्रोपेलर डायमीटर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पिच ऑफ अ प्रोपेलर, या फिर प्रोपेलर पिच। If the propeller is assumed to work in water, then in one revolution, the shaft of the propeller will move forward a distance, which is known as pitch of the propeller. इसको कैसे denote करेगा? By P. ठीक है, ये मेरा propeller अगर shaft मान लीजिए आप, ठीक है, तो अगर one revolution, मतलब ये वाला blade वापस एक revolution करके जब इधर आएगा मेरा, तो then it has to be moved some distance. तो this distance is known as propeller pitch. ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज प्रोपेलर पिच विथ डायग्राम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिच एंगल और ब्लेड एंगल डिस्टेंस मूव बाय द प्रोपेलर इन वन रेवोल्यूशन। ये बहुत इजी है, आपको मालूम हो गया व्हाट इज, इसमें ज्यादा घुसता भी नहीं है, बस डेफिनेशन जानना है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज पिच रेशियो, तो मैंने आपको व्हाट इज पिच ये बोल दिया, व्हाट इज डायमीटर वो बोल दिया। ठीक है, तो पिच रेशियो एक्चुअली और इसको नाम दिया गया फेस पिच रेशियो इज डिवाइडेड बाय द पिच एंड द डायमीटर, मतलब मींस ऑफ द पिच रेशियो ऑफ द पिच एंड डायमीटर को हम लोग पिच रेशियो जो स्मॉल पिच से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है पिच एंड डायमीटर उसको पिच रेशियो बोला जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थियोरिटिकल स्पीड एंड अपेरेंट स्लिप, दिस इज द डिस्टेंस द प्रोपेलर वुड एडवर्स इन वन यूनिट टाइम व्हेन वर्किंग इन वाटर। ठीक है, मतलब एक यूनिट टाइम के हिसाब से प्रोपेलर जितना वुड एडवर्स दो उसको व्हेन वर्किंग इन द वाटर उसको हम लोग थियोरिटिकल स्पीड कहते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अपेरेंट स्लिप, सिंस द प्रोपेलर वर्क्स इन वाटर द शिप स्पीड, एक्चुअली जो शिप स्पीड होता है वी will normally be less than the theoretical speed। ठीक है, क्योंकि theoretical speed हम लोग एक unit time के अंदर ऊपर भी उसका जो main हम लोग parameter ले लिए working in the water, तो उस पर थोड़ा जो actual speed है v वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, the difference between the two speed is known as apparent slip and expressed in the ratio or percentage of a theoretical speed, मतलब इसका ratio या फिर कितना इसका ratio या फिर उसका कितना percentage उसके हिसाब से apparent slip को मापा जाता है। ठीक है, तो दोनों का difference या फिर दोनों का definition मालूम चल गया होगा। Now coming to the next question, next question is what is wake या फिर propeller wake भी आप कह सकते हैं, और व्हाट इज स्पीड ऑफ एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ एडवांस। वेक क्या क्या है, बहुत इजी है, इन द पैसेज बाय मूविंग द शिप इनटू द वाटर द शिप सेट इन मोशन, मतलब अगर आप पानी में जहाज चल रहे हैं तो उसका एक मोशन होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर या फिर जो मरीन जो पार्टिकल्स है इन इट्स नेबरहुड, मतलब जहाज का जो हल पोर्शन है इमर्स्ड पोर्शन है उसका जो नेबरहुड का जो पार्टिकल्स है या फिर जो वाटर्स है वो क्या करेगा, एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा बिटवीन द हल एंड द वाटर, दिस मूविंग वाटर इज नोन एज वेक। ठीक है, ये बहुत ईजी है, वेक क्या हो गया आपको मालूम चल गया होगा। नाउ व्हाट इज स्पीड ऑफ एडवांस ऑफ द प्रोपेलर, द स्पीड ऑफ द शिप रिलेटिव टू द वेक इज टर्म्ड एज स्पीड ऑफ एडवांस, तो इसका हिसाब से जितना मेरा स्पीड रिड्यूस होगा या फिर जो इफेक्ट पड़ेगा मेरा स्पीड पे उसको हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ एडवांस। ठीक है, ये दोनों मालूम चल गया। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू स्लिप और रियल स्लिप, अपेरेंट स्लिप मैंने आपको बोल दिया क्या होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द थियोरिटिकल स्पीड एंड द स्पीड ऑफ एडवांस इज नोन एज ट्रू स्लिप एंड रियल स्लिप, तो अपेरेंट स्लिप या फिर जो आपका ट्रू स्लिप या फिर आपका जो थियोरिटिकल स्पीड सब एक्चुअली वन, मतलब एक से अलग से ओवरलैप करता है, तो उन दोनों का रिलेशन ही आपको बस जानना है और बताना है। ठीक है, क्योंकि उसके ज़्यादा अंदर घुसता नहीं है, ये सब एक्चुअली मरीन इंजीनियरिंग का टॉपिक है, बस हम लोगों को एक्सपेक्ट करता है कि डेफिनेशन मालूम हो। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द थियोरिटिकल स्पीड एंड द स्पीड ऑफ एडवांस हो गया हम लोगों का ट्रू स्लिप और रियल स्लिप। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज प्रोपेलर एफिशिएंसी।
प्रोपेलर एफिशिएंस की आपको मैंने बताऊंगा अभी, वो बहुत इजी, आप थोड़ा ऑडियो को सुनिए तो आपको मालूम चल जाएगा। द इंजिन शाफ्ट पावर इज ट्रांसमिटेड टू द प्रोपेलर विथ ओनली माइनर ट्रांसमिशन लॉसेस। मतलब जो इंजिन का पावर हम लोग एक्चुअली प्रोपेलर पे देते हैं या फिर जो प्रोपेलर रिवर्स बैक करता है हम लोगों को, उसमें थोड़ा सा ट्रांसमिशन लॉसेस होता है, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द प्रोपेलर रिजल्ट इन अ फॉरवर्ड थ्रस्ट एट द सेम पर्टिकुलर स्पीड। मतलब जो ट्रांसमिशन लॉस के बाद हम लोगों को एक्चुअली जो पावर मिलता है उसके ऊपर प्रोपेलर हम लोगों को पर्टिकुलर स्पीड पे एक देता है, ठीक है। द प्रोपेलर एफिशियंसी इज मेजर्ड द एफिशियंसी ऑफ द पावर कन्वर्शन बाय द प्रोपेलर, ठीक है। मतलब क्या हो गया, द प्रोपेलर एफिशियंसी एक्चुअली द रेशियो ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई द पावर अप्लाइड, ठीक है। ये हो गया एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन, क्या हो गया, रेशियो ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड एंड पावर अप्लाइड, इन दोनों का जो रेशियो होता है, मतलब क्या पावर हम लोग दे रहे हैं या फिर पावर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी, जो पावर प्रोपेलर प्रोड्यूस कर रहा है ऊपर से क्या पावर हम लोग एक्चुअली दे रहे हैं प्रोपेलर को, उन दोनों का रेशियो को प्रोपेलर एफिशिएंसी कहता है। ये सब क्या किस लिए है, ये सब उसका पैरामीटर समझाने के लिए है कि एक्चुअली दो हम लोग पावर देते हैं वो बाई द रिवर्स नहीं करता प्रोपेलर, उसमें कुछ ट्रांसमिशन लॉसेस होता है, उसके बाद जो मिलता है उन दोनों का रेशियो को प्रोपेलर एफिशिएंसी कहता है। वो मेनली 80-90% मतलब लाई करता है, ठीक है। प्रोपेलर एफिशिएंसी 80-90% लाई करता है एक्चुअल जो पावर हम लोग अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो दिस इज द प्रोपेलर एफिशिएंसी, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज अजीमथ प्रोपेलर, ये बहुत बार पूछा गया है कैप्टन अजीत टोपनो से, ये उनका एक्चुअली स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। अजीमथ थ्रस्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एजीपॉड्स, या फिर आप इसको अजीमथ प्रोपेलर नाम से भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर अजीमथ थ्रस्टर से भी पूछा जा सकता है, या फिर एजीपॉड क्या होता है उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। आर द प्रोपेलर्स माउंटेड इन अ पॉड दैट प्रोवाइड थ्रस्ट, मतलब पॉड क्या होता है आपको मैं फोटो में अभी दिखाऊंगा, दैट प्रोवाइड थ्रस्ट, मतलब जो अभी मैं प्रोपेलर थ्रस्ट जो प्रोवाइड कर रहा था वो अभी क्या करेगा, एक पॉड, मतलब एक बेसिकली एक माउंटिंग अरेंजमेंट है, तो वो अभी थ्रस्ट अप्लाई करेगा। एंड स्टीयरिंग बाय रोटेटिंग द यूनिट हॉराइजेंटली, मतलब बस पॉड को ही रोटेट करके उसको स्टीयर या फिर रोटेट किया जा सकता है, मतलब जहाज को। ट्रेडिशनली वेसल्स हैव प्रोपेलर्स, मतलब एक तो प्रोपेलर्स होता ही है जहाज का, दैट प्रोवाइड द फॉरवर्ड थ्रस्ट एंड अ रडार दैट प्रोड्यूसेस द ड्रैग बाय टर्निंग एंड स्टीयरिंग द वेसल। मतलब क्या बोला गया, जो ट्रेडिशनल जो हम लोग अभी तक पढ़ के आ गए हैं वो एक प्रोपेलर्स होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर्स एंड रडार जो हम लोग टर्निंग या फिर स्टीयरिंग कर सकते हैं। दिस सेटअप वर्क्स ग्रेट ऑन अ स्मॉल शिप्स और इन ओपन एरियाज एंड आर मेन रीजन लार्ज कॉमर्शियल वेसल्स लाइक कंटेनर्स एंड फ्यूल शिप्स need tugs to help them navigate ports and narrow waterways. Azimuth propeller किस लिए help करेगा, container vessel जो बहुत मतलब उसका fast maneuvering होता है, या फिर जो जहाँ पर tugs का आपको ज़रूरत नहीं भी लग सकता है, अगर आपके पास azimuth propellers होगा जो narrow way या फिर जो navigation during the port navigation पे हम लोगों को बहुत helpful रहता है। Large ships with small radars just don't have the ability टू टर्न क्विकली, मतलब लार्ज शिप के पास अगर विद द हेल्प ऑफ ओनली रडार टर्निंग क्विकली ये एबिलिटी बहुत कम होता है। एंड देयर लार्ज साइज मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू रिवर्स, मतलब रिवर्स पे जाने के लिए लार्ज शिप एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली ये बोला गया है कि किस लिए अजीमथ प्रोपेलर्स का मतलब जो चालू हो गया जहाज पे लगाना। इन एन अजीमथ थ्रस्टर द प्रोपेलर रोटेट्स 360 डिग्री, ठीक है। क्या बोला गया, देखिए दीज आर द कॉल्ड अजीमथ प्रोपेलर्स, ठीक है। ये बेसिकली एक सेपरेट फंक्शन ही हो गया जहाज का, ठीक है। जो बेसिक ट्रेडिशनल प्रोपेलर्स है उससे ये बहुत सेपरेट फंक्शन है। इसमें देखिए ये एक्चुअली इसका जूम वर्जन है, आप ये एक अलग से सेपरेट वर्जन है जो एक्चुअली 360 डिग्री मतलब इधर से इधर तक रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो देयर आर इंस्टेड ऑफ वन प्रोपेलर यू कैन फिट टू प्रोपेलर्स एंड मैन्युवरबिलिटी, मतलब आपका जो आइदर कंटेनर शिप या फिर जो नैरो चैनल पे अगर आपका अजीमथ प्रोपेलर्स होगा तो आपको देखने में से ही लग रहा है कि ये बहुत एफिशिएंसी होगा टू शॉर्ट टर्न या फिर जो रिवर्स उसके लिए। Around the vessel axis, so the unit provide propulsion, steering, positioning, thrust for superior maneuverability. मतलब जो basic maneuverability हम लोग जानते हैं traditional propeller से, ये
उसको एक एडवांस लेवल पे लेके चला जाता है. दीज आर एक्चुअली नेम्ड एज एजीमथ प्रोपेलर्स एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एजीमथ प्रोपेलर्स. ठीक है, ये एक सिंगल यूनिट विद अ ज़ूम्ड वर्जन एंड दीज आर एक्चुअली फिक्स्ड ऑन अ शिप. ओके, तो व्हाट इज एजीमथ प्रोपेलर्स, अभी ये भी आप लोगों को मालूम चल गया. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.